हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को देखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो आज हृदया को मिले हैं दो टॉयज़, मतलब दो किट हैं, दोनों कलरिंग से रिलेटेड हैं, जो इसके दादू ने गिफ्ट करे हैं इसको। मतलब थोड़ा एक्टिविटी हो जाता है ना बच्चों को, अलग अलग लगता है, पर दोनों पढ़ाई से रिलेटेड है। तो ये है स्क्रैचिंग बुक, इसमें हम स्क्रैच करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ इसका पेन भी आया है। और ये बुक है पूरी, इसमें पूरा सेट है, इसमें हमें कलरिंग करने के लिए है, बीच में कलर्स भी हैं। ये स्क्रैचिंग बुक हो गई हमारी, तीनों का सेट है एक ही बुक के अंदर। तो हृदय को बहुत पसंद आया, इसमें अलग अलग ड्राइंग बनी है। अच्छा लगा। और जो दूसरी किट में ली है वो भी से बहुत पसंद आई, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे। एक ही रोलर मिला है और ये कलरिंग पैड है, तो इसके ऊपर हमको रोलर को घुमाना है, ऐसे मूव करना है, और फिर वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसने ये कलर ना पूरे घर में सारी जगह पहुंच दिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़ों में, मतलब जो इसके हाथ में आया ना उसी चीज़ में इसने ये कलर पहुंच दिया, क्योंकि ये इसमें कलर खुला रखा हुआ है, इजीली टच कर सकते हैं उसे। तो इसके दांत में दर्द हो रहा था, ये मुझे अपनी कैविटी दिखा रही है। फिर रिद्या ने मुझे एक राइम सुनाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से गाकर। फिर हम गए थोड़ा सा वॉक करने, और फिर रिद्या गई थी चनों को, बंदरों को चने खिलाने के लिए दादी और पापा के साथ। तो बचे हुए चनों का मैंने यहाँ लड्डू बनाया है। यहाँ पे चने को मैंने साफ कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया बिल्कुल बारीक। उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। छानने से क्या होता है, मोटे मोटे थोड़ा सा नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल उसमें रहेगा, सारे के सबके दाने जो हैं मतलब बराबर रहेंगे। और फिर मैंने इसमें बूरा मिलाया है, आप खांड मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, कुछ भी मीठा मिला सकते हैं, जो मिलाना है कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें ना आपको ना गैस ऑन, फिर इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने घी को यहाँ पे मेल्ट करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, धीरे धीरे करके ऐड करना है आपको, जब तक अच्छे से बाइंड ना बन जाए इसमें। ये देखिए, मतलब हाथ से प्रेस करोगे आप तो अगर बंद रहा है तो इसका मतलब डन है, और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने बनाई है करारी भिंडी मसाले वाली भरवा, और मसूर की दाल मेरी फेवरेट है। अब मैं वेट कर रही हूँ हृदया का कि वापस कितनी देर में आएगी। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।